यदि आप विपाशना के 10 डेज के शिविर में जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी, जो मैंने गलतियाँ की थी और उन सबसे आपको बचना है। जिसमें पहली चीज़ है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, कि मेंटली इस तरीके से यदि आप रात को देर रात में सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो आपको 4-5 दिन पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी है कि रात को जल्दी 11 बजे 10 बजे 11 बजे तक सो ही जाना है और सुबह 6-7 और फिर 4 बजे फिर 5 बजे तक उठ जाना किसी भी कीमत में। तो इस साइड की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ जाकर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को मेंटली तैयार रखिए कि मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि 10 डेज तक किसी से बात किए बगैर रहना बहुत आसान काम नहीं है। सब आपके सामने है लेकिन आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, अपने आजू बाजू लोगों से जो आपके साथ में हैं, दोस्त हैं आपके, उनसे बात नहीं कर पा रहे, ये कठिन काम है। तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर करके रखें कि ये सारे काम मैं वहाँ जाके करने वाला हूँ। तो ये मेंटल लेवल की प्रैक्टिस हो गई। और तीसरी चीज़ आती है कि कुछ जो सामान है, आवश्यक सामान है, उसको हमेशा अपने साथ लेके चलें। जैसे कि आपकी जो टैबलेट्स हैं, अगर कोई आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा में लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे समय पे प्रोवाइड ना कर पाएँ वो लोग, क्योंकि कोशिश भी पूरी करते हैं कि आपको हर चीज़ की सुविधा मिल जाए लेकिन कभी कभी इतना जल्दी नहीं हो पाता और इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ गई। तो आप अपने जो इमरजेंसी की टैबलेट्स हैं उनको हमेशा अपने साथ कैरी करिए। गुरुजी वहाँ पूछेंगे भी, उनको बता दीजिए कि ये मैं टैबलेट्स लेता हूँ, अच्छी बात है ये। और उसके साथ साथ कपड़ों पर ध्यान रखें कि कपड़े जो हैं आपके एकदम साथ सीधे और सिंपल सादे होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ट्राउज़र जीन्स या गर्ल्स के बहुत टाइट कपड़े, उस टाइप के लेडीज़ के जो कपड़े हैं टाइट बहुत, उस टाइप के कपड़े नहीं होने चाहिए। और वो इसलिए नहीं बोल रहे कि वो कपड़ों का आपका अगेंस्ट है, वो इसलिए भी है क्योंकि जैसे मैं अभी विपाशना कर रहा था तो ये मैं सूती के कपड़े पहन के रखा हूँ, तो ये क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आपकी स्ट्रेस नहीं होता है बॉडी में, कहीं भी टाइट नहीं रहते तो बॉडी में कहीं स्ट्रेस फील नहीं होता है, तो जिससे कारण हमारी विपाशना साधना में करने में हमें सहायता मिलती है। क्योंकि अगर कपड़े आपके बहुत टाइट रहेंगे तो आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अब साधना से डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी साधना अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ये कारण भी है। तो कंफर्टेबल कपड़े और थोड़े अच्छे कपड़े, मतलब एक जो भारतीय संस्कृति की पहचान रही है उस टाइप के थोड़ा सा कपड़ों का, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को याद रखना चाहिए। तो ये कपड़े की बात हो गई। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, वो ये है कि जैसे आप पहले दिन जब साधना स्थल पर जाते हैं, जिस भी धम्मा सेंटर पर आप जा रहे हैं साधना के लिए, तो आप जाते ही साथ सबसे पहले बहुत सारे लोग आए होंगे तो आप सबसे बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने ये गलती की थी, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, तो मेरे साथ दिक्कत क्या होती, मैं बगैर बात करे रह नहीं पाता था। तो मैं जाते ही साथ पहले दिन, बीच में तो मैंने बात नहीं की थी किसी से, लेकिन पहले दिन जैसे ही गया मैंने सबसे दोस्ती कर ली, बात कर ली, तो वो क्या होता है कि जैसे आप लोगों से मिल गए एक बार, फिर भले ही आपको उनसे बात नहीं करना 10 डेज तक, लेकिन उनकी जो इमेज है वो हमारे माइंड में चलती कि इनसे ऐसी बात की थी, इनसे बात, जब भी आप उनको देखोगे तो उनके बारे इमेज हमारे मन में आएगी और ये साधना आपकी प्रैक्टिस में बाधा उत्पन्न करेगी। तो इसलिए जाने से पहले आप ध्यान रखें कि जब भी आप पहले दिन जाएं और सेशन में ग्रुप सेटिंग हो, उससे पहले आप लोगों को मिलने का टाइम मिल जाता है सबको, तो जैसे क्वार्टर अलॉट होते हैं, आप किसी के क्वार्टर में ना जाएं, किसी से बात ना करें, जो भी लोग आए हैं आपके साथ साथ ना करें, उनसे तो स्पेशली बात ना करें, जो कुछ बात करना है आप गुरुजी से कर लीजिए, आप वहाँ के सेंटर के लोगों से कर लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। और क्योंकि पता है, एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने एक अंकल जी से बात की थी लेकिन उन्होंने मुझसे पहले दिन बात ही नहीं की, तो मुझे लगा कि कितने अकड़ू हैं, यहाँ पर साधना करने आए हैं और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे उस समय ख़राब लगा था। लेकिन जब साधना के बाद वो 10 डेज का जब शिविर हो गया था कंप्लीट हमारा, तो वो खुद मेरे पास आए थे और मुझसे बात कर रहे थे, और वो मुझसे बोले कि बेटे ये हमेशा याद रखना कि साधना के पहले किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि ये आपको साधना के समय आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये बात मैंने खुद फील की कि मुझे अगर मैं किसी से बात नहीं करता तो ज़्यादा अच्छी मेरी साधना हो पाती और मैं ज़्यादा जल्दी कंसंट्रेट, जितना टाइम जो टाइम मुझे कंसंट्रेट करने में लगा उससे कम लगता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अंकल से मैंने सीखी थी और गुरुजी भी जैसे बताते हैं, तो फिर हालांकि मैंने गलती की थी लेकिन आप ये गलती ना करें। और टाइम टेबल का आपको याद रखना ही है, और खाना की कोई आपको ऐसे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि खाना एकदम बढ़िया खाना मिलता है, हर चीज़ मिलती है खाने में, आपको विभिन्न प्रकार की टी मिल जाएंगी, खाने में अलग प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं, और खाने और रहने का कोई इशू नहीं रहता है, आपको फर्स्ट क्लास खाना और फर्स्ट क्लास रहना
पर्सनल क्वार्टर अलॉट रहते हैं, तो खाने और रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहता है कि आपको मतलब 10 दिन ऐसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। शुरू शुरू में लगता है कि यार 10 दिन कैसे निकलेंगे, किसी से बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको जाने से पहले याद रखनी है। कमेंट सेक्शन में आप अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। भवतु शुभ मंगलम, थैंक यू।